शोबे उर्दू जाम उस्मानिया मनाया जा रहा है। हजरतुल अल्लामा मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब मददुल्लाही सदर मुफ्ती जाम इस्लामिया सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम ज़ैन फुकहा हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया जाम इस्लामिया सदारत फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह उलमा इकराम की गुलपोशी का फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। हमारे दरमियान मकबूल मिल्लत मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब एमएलए हलका चार मीनार व मोतमदूमी पुलिस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा करीब साहब साबिक डायरेक्टर दारुल मारिफ़ हजरत मौलाना शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निज़ामी साहब मोहतरम कुतुब खाने जाम निज़ामिया तशरीफ़ फरमा है। अब मैं हजरत मौलाना सैयद शाह हुसैन शहीदुल्ला बशीर साहब मददुल्लाही दाई जलसा से ख्वाहिश करूँगा कि वह उलमाए इकराम की गुलपोशी अंजाम दें। सबसे पहले सरपरस्त जलसा मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब सदर मुफ्ती जाम निज़ामिया की गुलपोशी। ज़ैनुल फुकहा मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब की गुलपोशी की जा रही है। निगरानी जलसा निगरानी सेमिनार मोहतरम डॉक्टर अकील हाशमी साहब की गुलपोशी और शालपोशी अंजाम दी जा रही है। उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब प्रोफेसर शोबा अरबी जाम उस्मानिया हजरत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब गुलपोशी शाहपोशी की जा रही है। मकबूल मिल्लत मोहतरम मुकाम जनाब अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मौजूद रुकन असेंबली व मोहतमद उमूमी कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की गुलपोशी शाहपोशी। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निज़ामी साहब मोहतरम कुतुब खाने जाम निज़ामिया की गुलपोशी और शाहपोशी। मोहतरम गौस पाशा नक्शबंदी साहब की गुलपोशी का फरीदा अंजाम दिया जा चुका है। अब आइए अल्हम्दुलिल्लाह वो सात वो वक्त आ चुका है कि किताब का रस्म इजरा हो और अन्नफ़तुल अंबरिया की मदही तहरीर बरिया इस उनवान से इस किताब को मोहतरम हाफिज़ बुखारी सैयद शाह खलीलुल्लाह बशीर अवेज साहब बुखारी ने तरतीब दिया है जो दाई इजलास के फर्जंद अकबर हैं। अब किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया जा रहा है। बदस्त मुबारक मुफक्किर इस्लाम ज़ैन फुकहा हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मददुल्लाही Thank you.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد بزرگان ملت برادران عزیز جیسا کہ آپ میرے سے پیش رو مقررین مقرر مدار اور دیگر حضرات سے سماعت فرمایا کہ یہ ناتیہ کانفرنس ہے اور اس میں ایک نعت شریف کے مجمعے کا جو انتخاب کیا گیا اس کے رسم اجرا بھی ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ بیان فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ آیت کریمہ کا ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کو خوب یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں, یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خوب کیا کرو. تو یہاں پر اللہ کے کلام میں اللہ کی یاد کا ذکر ہے لیکن تفسیر صحابہ کی یاد سے کی جا رہی ہے. تو کیوں کی گئی ایسی تفسیر, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ دیکھو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اس کا طریقہ جاننا, اس کا سلیقہ جاننا, اس کا ادب مقام و مرتبہ جاننا, یہ کسی اور کا کام نہیں ہے, یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شان, کوئی اور اس کو بیان نہیں کر سکتا. پھر اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ شان ہے کہ آپ ہی ذات وحدہ لا شریک کی تعریف بیان فرما سکتے ہیں اور اس کے ذکر کو اور اس کے مقام کو, اس کی عظمت کو, اس کی فضیلت کو بیان فرما سکتے ہیں, تو اب اس بات کو سنا کس نے؟ اس بات کو سنا صحابہ, کوئی اور نے نہیں سنا. تو اس لیے آپ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ تم اللہ کی یاد کرنا چاہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا راستہ تم کو حضور سے ملے گا اور حضور کے طریقے کا راستہ صحابہ سے ملے گا. تو صحابہ کو اگر تم خوب یاد کریں گے, ان کا ذکر کریں گے, تو صحابہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے, صحابہ کبھی جو لایعنی باتیں نہیں کرتے تھے,
सहाबा जब भी जिक्र करते तो खुदा का जिक्र करते, या हबीब खुदा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते या दीन की बात करते, ये उनका तरीका था। इसलिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रईसुल मुफस्सिरीन है, उन्होंने इस तरह से तफ़सीर बयान। फिर उसके बाद जो है बतलाया गया कि तमाम की तमाम मखलूक, ख़ा वो किसी भी नौयत की क्यों न हो, सारी मखलूक अल्लाह की तारीफ करती है, अल्लाह की हमदो सना करती है। अब वो कैसा करती है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी नौयत क्या है, इसमें मुफस्सिरीन के बहुत अख़वाल हैं, लेकिन इस पर सब मुत्तफिक हैं कि अल्लाह की हमदो सना और अल्लाह की तारीफ सारी मखलूक करती है, इसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन इसके साथ अल्लाह सुबहाना ताला किसकी तारीफ करता है, सारी मखलूक तो अल्लाह की तारीफ करती है, अल्लाह सुबहाना ताला किसकी तारीफ करता है, तो बतलाया गया अल्लाह सुबहाना ताला अपने मकबूल बंदों की तारीफ करता है, जिसकी तफसीर खुद कुरान करता है कि जो नबी हैं, जो सिद्दीक हैं, शुहदा और सालिहीन। अब इनकी जब ये तारीफ़ है कि सालिहीन की भी तारीफ़ हो रही है, शुहदा की भी तारीफ़ हो रही है, सिद्दीकीन की भी तारीफ़ हो रही है, तो ये तमाम के तमाम सिद्दीक हों, शहीद हों या साले हों, ये सब के सब उम्मती हैं, उम्मतियों का दर्जा है। तो उम्मतियों का दर्जा जैसा कि आप अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से वाकिफ़ हैं कि सारी कायनात मिलकर एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकती, सारी दुनिया के औलिया, सारी दुनिया के शोहदा, सारी दुनिया के सालिहीन, तमाम तमाम फजीलतों के बावजूद एक सहाबी के दर्जे को नहीं पा सकते। तो फिर उसके बाद यही फैसला किया गया कि सारे सालिहीन, सारे शुहदा और सारे जो है सिद्दीकीन नबी के सहाबी के दर्जे को नहीं पा सकते, तो ये सारे के सारे सहाबा मिलकर भी किसी एक नबी के दर्जे को नहीं पा सकते। सहाबा अपनी जगह बरहक हैं, उलुल अज़्म हैं, सब हैं, लेकिन कायनात सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकती और सहाबा किसी नबी का मुकाबला नहीं करते। फिर इसके साथ ये भी बात सबके पास मुत्तफ़क़ अलैह है कि सारे के सारे अंबिया, सारे के सारे रसूल मिलकर जो है उनमें जो मरातिब हैं, जो फजाइल हैं, नबी, नबी से बढ़कर रसूल, रसूल से बढ़कर उलुल अज़्म, तो तमाम अंबिया रसूल के बराबर नहीं, तमाम रसूल मिलकर उलुल अज़्म के बराबर नहीं। फिर उलुल अज़्म में कौन है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ये सारे उलुल अज़्म नबी व रसूल हुजूर के दर्जे को पा नहीं सकते। तो ये मरातिब, तो अब उसके बाद ये बताया गया कि देखो अल्लाह ताला अपने तमाम नेक बंदों की तारीफ तो करता है, लेकिन हर एक की तारीफ उसके अपने मर्तबे के लिहाज से, सहाबी की तारीफ उसके अपने मर्तबे से है, सिद्दीक की तारीफ उसके अपने मर्तबे से है, नबी की तारीफ अपने मर्तबे से, रसूल की तारीफ अपने मर्तबे से। अब उसके बाद अल्लाह सुबहानहु ताला अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की जो तारीफ करता है वो आपके मर्तबे के लिहाज से फरमाता है। अब आपका क्या मर्तबा है, तो इसमें तफसील में गए बगैर बुजुर्गों ने मुख्तसर तौर पर बतला दिया कि बादश खुदा बुजुर्ग तो एक ही समझ कि बस
इतना ही समझ लो, यही ईमान रखो कि अल्लाह सुभान व तआला की जात के बाद आप ही की जात सबसे मुकद्दस से अफजल व आला। इसी वजह से बतलाया गया कि देखो अल्लाह सुभान व तआला सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया और जब तक चाह अपने सामने रखा। सारे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह मखलूक को क्यों पैदा किया, तो उसकी वजह हदीस शरीफ में बतलाई गई, फ़ाहबक तो अंत और रफा, कि मैं ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए मखलूक को पैदा किया। तो फिर मखलूक में सबसे पहले किसको पैदा किया, तो अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा करना। तो इसलिए सारे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह को सबसे पहले देखने वाले, अल्लाह को सबसे पहले ईमान लाने वाले और अल्लाह की सबसे पहले इबादत करने वाले, अल्लाह का सबसे पहले जिक्र करने वाले, अल्लाह की सबसे पहले मारिफत हासिल करने वाले वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम। इसीलिए मुफस्सिरीन हुवल अव्वल वल आखिर की तारीफ में यही बयान करते हैं कि अगरचे और भी तफासिर हैं कि खुदा की मारिफत में भी आप अव्वल हैं, इबादत में भी आप अव्वल हैं, तमाम चीज़ों में भी अव्वल हैं, और सारी मखलूक जब ख़त्म हो जाएगी तब भी आप खुदा की इबादत और मारिफत और जिक्र में मशगूल। तो इस तरह से जो है अल्लाह सुबहान व तआला अपने हबीब पाक के मरातिब को और आपके दरजात को कलाम पाक में बयान फरमाया। और सारे उलमा इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि अपनी तारीफ आप करना या अपनी तारीफ अपने सामने किसी को करते हुए सुनना, ये सिर्फ खुदा को रवा है या हबीब खुदा को रवा है? कोई और शख्स अपनी तारीफ आप नहीं कर सकता और कोई और शख्स अपने सामने अपनी तारीफ के तस्वीरें नहीं पढ़ सकता, शरीयत ने उसको मना किया। सिर्फ अल्लाह ही को यह रवा है क्योंकि वो खालिक है और अल्लाह ने अपने हबीब पाक को खास किया कि आप अपनी तारीफ के तस्वीरे नाचिया कलाम खुद सुन सकते हैं अपने सामने बोल। इसका जवाब, इसका सबूत हदीस से, जैसा आप जानते हैं कि आप मस्जिद नबवी में हजरत हसन को बिठाते और फरमाते के बयान करते हैं, बयान करते हैं। तो ये है कि इस तरह से नात पाक का ये मकाम दीगर और कलाम से मुमताज़ हुआ और वो ये नातिया कलाम जब हजरत हसन कहते तो अगरचे कि वो कलाम हजरत हसन का है लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र करने की वजह से उसकी नौयत तो हैसियत हदीस की बन गई, क्योंकि जो चीज़ हुजूर के सामने कही जाए या की जाए और हुजूर उसका इनकार न करे तो वो भी हदीस है। तो नाचिया कलाम में आपके कलाम को ये खसूसियत है कि आपका कलाम हदीस का भी दर्जा रखता है। तो ये काबिल मुबारकबाद हैं हमारे बशीर साहब और उनके फर्जंद और उनके तमाम जो अहबाब के हर साल इस उनवान से ये एहतमाम करते हैं। और हकीकत ये है कि हर तबका हर जमात अपने अपने मसलक की तजवीज व इशात के लिए कुछ न कुछ करता और करना भी चाहिए। अब अहले सुन्नत जो जमात का जो मामला है, जैसा भी मामला है, वो सब पर आया है, लेकिन ये ना समझो कि हम थोड़े से लोग करने से क्या होता। अगर सब के सब यही समझ के खामोश हो जाएं, तो जो काम अब हो रहा है वो भी ठप होते रह जाए। इसलिए बुजुर्गों ने कहा खतरा खतरा दरिया बाशक कि ये थोड़ा थोड़ा ही काम, इसको आगे चलकर बढ़ावा मिलेगा और वो काम जो है सुख मिलाया जाए तो एक बड़ा काम कहलाएगा। मैं मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिद खल्क़िही व नूर अर्शिही व आलिही तय्यिबीन व अस्हाबिही अकरमीन अजमईन।
दोस्तों बुजुर्गों, आप और हम आज अभी अभी उस्तादुल असातिज़ा ज़ैनुल फ़ुक़हा फ़ख़्रे हिंदुस्तान हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मुफ़्ती ख़लील अहमद साहिब अमदल्लाहु हयातुहु लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन का मुबारक सदारती खिताब सुन रहे थे। आप हज़रत जानते हैं कि हमारी नाते शरीफ कॉन्फ्रेंस के ये तीसरा इजलास कल प्री फाइनल का हुआ नातिया और आज सुबह दिन में ऑल इंडिया गोल्ड मेडल मुकाबला हुआ था और अब ये सेमिनार की शक्ल में ये अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर से 130 नातवां तशरीफ लाए। हैदराबाद, अदला, बिहार, कर्नाटक, गुलबर्गी शरीफ, महबूबनगर वगैरह, तो मैं इसमें मुतफिक आ रहा जज साहिबान ने जिन खुशनसीब नातवां हजरात को मुंतखब फरमाया इनाम के लिए, वो मैं उनके नाम गिनवाना चाहता हूँ। वो करीब आ जाएँ, जनाब मोहम्मद फारूक साहब दर्जे अव्वल काला फसर हैदराबाद, वो करीब आ जाएँ। जनाब मोहम्मद गौस साहब दुआ महबूब नगर के, वो भी करीब आ जाएँ। और तीसरे जनाब मोहम्मद अयूब शर्फी साहब फैजाबाद के हैदराबाद, वो भी तशरीफ़ ला लें। और हमारे मुफ्ती आज़म हजरत हज़रतुल्लामा मुफ्ती साहब की बिला के मुबारक खातों से ये पहला इनाम जनाब मोहम्मद फारूक खादरी साहब, जो हमेशा महाफिल की जीनत भी रहते हैं, बड़े मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ते हैं। इंशाल्लाह हम इन तीनों असहाब को भी उलमा के खिताबात के दरमियान में एक एक को सुनेंगे। पहला इनाम 5,000 रुपये रखा गया था, वो मैं उनको अगर के मुबारक आता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इनाम दुआ जनाब मोहम्मद गौस साहब महबूब नगर से तशरीफ लाए। जजेस के फैसले के मुताबिक 3,000 रुपये नकद इनाम इनको दिया जा रहा है। इसका मतलब तमाम नाका हजरात मुंतखब हैं, ये सिर्फ बेस्ट ऑफ वन एक तरदीब के लिए है, वरना आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तीसरा इनाम मोहम्मद अयूब शर्फी साहब हैदराबाद के, जिनको इनाम नहीं मिला वो मायूस ना हो, वो मुंतखब हैं बल्कि ही शरीक हुए, सरकार ने उनको मुंतखब ही फरमाया है सिर्फ एक तरजीबी तौर पर। और तरजीब इनाम के मुस्तहक और 3,000 हैं, 4,000 बशारत अली खान साहब, अगर नहीं है सैयद गौस कादरी साहब, और सैयद शहबाज साबिरी साहब, और आप हजरात को मेरे देवीना दोस्त हैं, वो हैं अनिल कुमार यादव साहब के, वो भी इस सरदेवी नाम के। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इन उलमाए किराम का एक एक वक्त भी कीमती रहता है। आप समझते हैं कि ये ऐसे वक्त बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। सरकार की मोहब्बत में आप हजरात की दिलजुई की खातिर अपने वक्त अजीज़ से निकालते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। मैं मुफ्ती आज़म दामद बरकातुहु से दुआ की दरख्वास्त करूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सेमिनार का सिलसिला जारी। اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك
وأنزل علينا بركاتك ولا تنسنا ذكرك وصل على خير خلقك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الولد سر لأبيه کے تحت خلیل الرشید اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نقط المبریا جو لکھے ہیں ترتیب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا درجہ دیا, اسی واسطے وہ دوسری مرتبہ شائع ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قبول ہو اور صاحبزادے کی عمر دراز ہو, ان کے اور نیک کام لیں اور ان کے واسطے طرف اور اچھی بات دیر سلامت رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Oh, my God.
कभी सुनता ही नहीं। तेरे टुकड़ा पे पले गैर की ठोकर पे लड़ाल, तेरे टुकड़ा पे पले गैर की ठोकर पे लड़ाल, झिड़कियां खाएगा छोड़ के सदखा। तुमसे मासूम है यूं रहमत वारी सारी, तुमसे मासूम है यूं रहमत वारी सारी, सिर्फ दाता हो तुम्ही खल्क भिकारी सारी, सिर्फ दाता हो तुम्ही खल्क भिकारी सारी। आसरा कितना बड़ा है ये गरीबों के लिए, आसरा कितना बड़ा है ये गरीबों के लिए, आपने उम्र गरीबों में गुजारी सारी, आपने उम्र गरीबों में गुजारी सारी। आसरा कितना बड़ा है ये गरीबों के लिए, आपने उम्र गरीब
खेतों में गुजारी सारी, सिर्फ दाता हो तुम ही। फैज सरकार का हर आन है जारी सारी, फैज सरकार का हर आन है जारी सारी, जी जिंदगी उनके करम पर है हमारी सारी, जिंदगी उनके करम पर है हमारी सारी। उनके कदमों में पहुंच जाए तो बिगड़ी बन जाए, उनके कदमों में पहुंच जाए तो बिगड़ी बन जाए, रात दिन बस यही कोशिश है हमारी सारी, रात दिन बस यही कोशिश है हमारी सारी। हासिल लाम सलाम समाप्त करें। हो गए वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हो गए जिंदगी जितनों ने सरकार पे वारी सारी, जिंदगी जितनों ने सरकार पे वारी सारी, सिर्फ दाता हो तुम्ही। वक्त का शेर बताइए, जलसा की नजर है। अपने पास इसके अपने पास इसके सिवा शौक रखा ही क्या है, जी दौलत नात ही पूंजी है हमारी सारी, दौलत नात ही पूंजी है हमारी सारी, सिर्फ दाता हो तुम्ही। फैज जिंदगी उनके करम पर है हमारे। डॉक्टर हसन मोहम्मद साहब नक्शबंदी मुद्दत हुई जिन्होंने हजरत इमाम रब्बानी के दरवाजे सानी रहमतुल्लाह अलैह के हयातों का खदमात पर पीएचडी की डिग्री हासिल की, वो उस ज़िमन में उसकी इशात अमल में आई जा रही है, जिसको 20 नवंबर अगले इतवार को उर्दू मस्कन सालार मिल्लत ऑडिटोरियम हाल में सिलबत में मनक़द होगी। आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती आज़म अज़ीमुद्दीन साहब, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब और प्रोफेसर अब्दुल मजीद निज़ामी साहब, ये मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। और इसकी इफ्तिताह खान वाले हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह यानी हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद नक्शबंदी मुजद्दी क़ादरी दामत बरकातों रामपुरी के मुबारक हाथों से इसकी इजरा अमल में आएगी। और मेहमानों में इज़्ज़त माब मोहम्मद महमूद अली साहब डिप्टी सी एम साहब और नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हमारे मोहतरम मुकाम अली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब और दीगर उलमाए किराम मेहमानान खुसूसी होंगे, और उलमाए जामे निज़ामिया और मुफ्त प्रोफेसर से जामे उस्मानिया मेहमानान खुसूसी होंगे, मशाइख़ किराम रहेंगे। एक बड़ी इल्मी महफिल होगी, आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ ले जाएँ। और मैं ज़बरन दर्ज करने चला हूँ कि यह हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि शायद हजरत और कितने नाताओं को बुलाएंगे और बैठ के खुद आप भी सुनेंगे और हमको भी सुनेंगे। तो मैं जमा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिश नातिया सेमिनार का आगाज हो रहा है और मेरे चंद प्याला आपके सामने रखने की ताकत हासिल करता हूँ जो सेमिनार के मिसालों में या सेमिनार की तकारीर से उसकी मुनासिबत नहीं हो सकती। अपने एहसास और अपने जज्बात पेश करने की ताकत क्योंकि नातिया कॉन्फ्रेंस और नातिया महफिलें ये बड़ी मुतबरी मुबारक होती है और मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में लगाव है तो सिर्फ नातिया महफिल से। मैं कहीं भी नातिया महफिल में लोग बुलाते हैं तो इंशाल्लाह इब्तिदा से इंतहा तक बैठता हूँ क्योंकि इससे बढ़कर मुबारक मुकद्दस महफिल कोई और मैंने महसूस नहीं किया। यूँ तो जलसे भी है, मुशायरे भी है, हर चीज़ है, लेकिन नातिया महफिल में जो अकीदत में डूब के कलाम लिखते हैं अल्लाह उनके मुकाम को बुलंद किया, उनके जिक्र को बुलंद किया, इश्क़े नबी के सत्ते में उनका नाम बाकी है, उनका उनके नाम का फैजान भी बाकी है। अल्ताफ सुल्तानी अलैह रहमा फरमाते हैं मैं नात लिखता हूँ हैरत ना कीजिए, मैं नात लिखता हूँ हैरत ना कीजिए, अगर वह हुक्म करे तो बेजबान बोले, अगर वह हुक्म करेंगे तो बेजबान बोले। नातिया शायरी हर एक की बस की बात नहीं, ये जिस पे अल्लाह का करम सरकार की नज़र इनायत होती है वही नात शरीफ कहने का अहल होता है और इसकी सादत से सरफराज होता है। मैं जिस वक्त आया फसलती निज़ामी साहब ने हैदराबाद के मुमताज शोरा इकराम हसरत सिद्दीकी हजरत लईफ़ अलैह रहमा हजरत नसीम अलैहिस्सलाम कान शिफ्तारी रहमतुल्लाह अलैह अमजद रहमतुल्लाह अलैह दीगर असातिज़ा शोरा के जिक्र कर रहे थे। यकीनन नात शरीफ में जो इश्क़ नबवी में डूब के लिखते हैं वो दिलों पर असर कर जाते हैं और लोगों को अकीदत की तालीम से अकीदत और मोहब्बत की तालीम से उनको फैज़याब करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नात शरीफ का लिखना ये बड़ी सादत की बात है, सुनना भी बड़ी सादत की बात है। सौ खुलेंगे दरवाजे रहमतों के उसके लिए, सौ खुलेंगे दरवाजे रहमतों के उसके लिए, नात मुस्तफ़ा जिसने एक भी सुनी होगी। सुनने वालों पर ये करम है तो बोलने और पढ़ने वाले पर कितना करम होगा। यकीनन नात शरीफ की तासीर, नात शरीफ का असर कुछ जुदागाना होता है। ये भी इस्लाम के राह में एक तबलील है, तबलील अकबर है कि लोग इससे भी मुतासर होकर इस्लाम के करीब आते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दुनिया में सबसे ज़्यादा कर किसी का जिक्र होता तो एक अंग्रेज मौलिक ने लिखा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सबसे ज़्यादा दुनिया में होता है। साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे में कहीं रात कहीं दिन अगर किसी का जिक्र होता है तो पैगंबर इस्लाम सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है और किसी किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है तो वो किताब कुरान मजीद का है। बहरहाल नबी इस्लाम ने बेशुमार मुकामात पर अपने तखल्लुस को बड़े हुस्न खूबी से इस्तेमाल किया। मरू तो मुझको अहिबा कहीं भी दफना दे, मरू तो मुझको अहिबा कहीं भी दफना दे, रहेगी रूह तो मेरी कामिल मेरी महीने, रहेगी रूह तो कामिल मेरी महीने। किस तरीके से ऐबों में जो कामिल है उसको क्या कादर क्या जाने खरीदा क्यों तुमने, ऐबों में जो कामिल है उसको क्या जाने खरीदा क्यों, सरकार खरी तो बात यह है खोटे के कहीं भी दाम नहीं। नतीब इस्लाम की वो शायरी जो अक्सर महफिल समा में सुनने को मिलती है, हजरत लई रहमतुल्लाह अलैह जिनकी नाते मकबूल हुई, जो दूर बताहिर सबर उनकी भी लीजिए,
याद उनको भी कीजिए। है सबके लिए आपका दर आपका दामा या चापे ऐसियाँ हजरत सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में फरमाते हैं, चैन तुमसे करार तुमसे जिंदगी की बहार तुमसे, क्या करूं लेके सारी दुनिया को मेरा बाबो बहार तुमसे। बहर ये हमारे उलमा किराम बुजुर्गान दीन जिनके कलाम को आज भी हम सुन के इससे महजूज होते हैं, और नातिया में दिल की बात ही कुछ और है, सरकार की मोहब्बत रखते अपने दिल में तो नातिया महफिल में लोग शरीक होते। और ये सादत हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला की है कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने बिठा के हजरत हसन से कलाम सुनते, मुस्कुराते और कलाम सुनते दुआ करते कि परवरदिगार हसन की इबादत फरमा। सहाबा की महफिल होती, सरकार रौनक अफरोज होते, हसन कलाम सुनाते, जिब्रील अमीन आसमान से आकर हसन हजरत हसन के बॉडीगार्ड के तौर पे बाद आपके बाजू खड़े रहते, और सरकार दुआ करवाते जाते कि हसन को अल्लाह सलामत रखे, हजरत हसन की हिफाजत के लिए परवरदिगार। ऐसी नूरानी महफिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी नाते शरीफ सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, दाद देते हैं, तो नात का सुनना भी सहाबा की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है, इस सुन्नत पर अमल पैदा हो जाए। कुछ तो अमल होगा जो सरकार के उस सूरत बताने के काबिल होगा, वो इश्ते नबी का अमल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में होगी तो यकीनन उनकी हर नात को लोग पसंद करेंगे। मैं आखिर में मौलाना सैयद हसन शहीदुल्लाह बशीर शहीदुल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम उलमाए किराम उसातज़ाए किराम हाज़रीन को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तलना में मुझे कहने का मौका मिला। मैं आप हजरात से रुख्सत होते हुए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको और हमको इश्क़े नबवी की दौलत से मालामाल करे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى غالب حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث العظم واسع اللطف وبهر الهمم وبارك وسلم. شيخ الشيخ تشريف فرما محترم عقيل هاشمي صاحب نفس الله العلي मोहतरम मजीद बेदार साहब मदसिल्लाहुल आली नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना सैयद शाह हुसैन शहीदुल्लाह बशीर नक्शबंदी कादरी मदसिल्लाहुल आली मोहतरम मौलाना सुहेल अहमद कादरी साहब और जुमला उलमाए किराम बुजुर्गान मिल्लत नौजवान दोस्त अज़ीज़ साथियों, मकाला मैंने लिखा है मगर मकाला अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत सा वक्त उसके पढ़ने में लग जाएगा, उसके तरफ दो तीन अहम नुकात आपकी खिदमत में रखते हुए, फिर चूँकि और भी प्रोफेसर हजरात की तशरीफ़ फरमाए, आप हजरात दिन भर बिजी रहे हैं लगातार नाते सुनने में और मकाले अटेंड करने में, चंद बुनियादी बातें नाते पाक के हवाले से आपकी खिदमत में तकरीरी अंदाज में पेश करके अपना की जगह ले लूँगा, चूँकि पेपर पढ़ूँगा तो फिर बहुत सारा वक्त उसमें लग जाएगा। हज़रत इकराम रज़ीज़ दोस्तों, मुझे नौनवान दिया गया है, वो नाते शरीफ की अहमियत और नाते शरीफ की ज़रूरत इस उनवान के तहत मैं मुझसे कहा गया है कि मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखूं। सबसे पहली बात तो यह है कि नाते शरीफ की ज़रूरत क्यों है और नाते शरीफ कहते किसको हैं। हज़रत इकराम बेकल उत्साही इंतहाई मशहूर मारूफ नात खा गुजरे हैं मौजूदा शायर हैं, बेकल उत्साही बहुत बड़े शायर हैं नात के, वो कहते हैं कि हुजूर के फ़ज़ाइल और कसाइल के बयान को नात कहा जाता है। हज़रत इकराम अज़ीज़ दोस्तों, सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मद्दो सना को नात कहा जाता है। नात कब शुरू हुई, नात की तारीफ क्या है, तो हज़रत इकराम उसका एक लतीफ़ इशारा कुरान मजीद में मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को नहीं पैदा फरमाया था
इंसान को पैदा करने से कबल अल्लाह पाक ने आलम अरबा में एक महफिल सजाई थी। कुरान मजीद में तफसील उसका जिक्र सूरह आल इमरान में मिलता है। अल्लाह पाक ने एक महफिल सजाई, दो मीटिंग्स हुई, दो कॉन्फ्रेंसें हुई। आज हम नातिया कॉन्फ्रेंस में जमा है। हज़रत इकराम इसी तरह की कॉन्फ्रेंसें आलम अरबा में भी हुई। एक कॉन्फ्रेंस आलम तौहीद पर कॉन्फ्रेंस, तौहीद की कॉन्फ्रेंस थी, उसका बयान आपको सूरह आराफ में मिलता है। अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को जमा करके इरशाद फरमाया था, वही अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ। अल्लाह पाक ने तमाम पैगम तमाम इंसानों की रूहों को जमा फरमाया था। आपकी रूहें भी थी, हमारी रूहें भी थी, सारे इंसानों की रूहें थी। तमाम को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। तो तमाम उन्होंने एक ज़बान होकर पुकार कर अपना इकरार किया था, बला शहीदना, क्यों नहीं मौला, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे इंसानों की रूहों को निकल जाने का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया, खास बात होने वाली है, इस बात का अहल हर इंसान की रूह इस बात की अहल नहीं हो सकती। तमाम रूहों को निकाल दिया गया, सिर्फ पैगंबरों की रूहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा फरमाया। जमा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबरों से मुखातिबत की। कुरान मजीद के कलिमात सुनिएगा और वश कीजिएगा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीत्सा नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और ऐ मेरे हबीब, याद कीजिए जब अल्लाह ने मजबूत वादा लिया पैगंबरों से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत देकर भेजूँ। उसके बाद यहाँ से नाद शुरू हो रही है। नाद का आगाज कब से है, कब से है, यह तो कोई बोल नहीं सकता। इस वास्ते के नाद उस वक्त से है जब वक्त भी नहीं था, नाद उस वक्त से है जब कायनात भी नहीं थी, नाद उस वक्त से है जब आलम भी नहीं था, नाद उस वक्त से है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे कहा जा सकता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु शाह फरमाते हैं, सरकार पाक अली सलातो सलाम से पूछा गया, सरकार सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया। हुजूर पाक अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया था, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जब सरकार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकलीफ फरमाया, अल्लाह हजरत अब्दुल्ला शाह साहब मुद्दे से डगर हवाले में लिखे हैं, सरसरी तेजी के साथ की खिदमत पेश कर रहा हूँ। हजरत मुहद्दिस डगर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह के नूर को तकलीफ फरमाया। अब काम क्या होता था, अल्लाह रसूलुल्लाह की तारीफ करता चला जाता था, रसूलुल्लाह अल्लाह की तारीफ करते चले जाते थे। तो हज़रत इकराम, ये नात की इब्तिदा है, ये नात की इब्तिदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। अब कब था, बाज़ लोग वक्त पूछते हैं कि वक्त बताइए, हम उसके जवाब में अर्ज करेंगे। वक्त के लिए सूरज की जरूरत पड़ती है, वक्त का बढ़ना, चूंकि राउंड द क्लॉक हम वक्त का तायुन करते हैं। जब रसूल पाक अली सलातो सलाम की नाश शुरू हुई, ना ये सूरज था, ना चांद था, ना सितारे थे, ना सैारे थे, बस एक तारीफ करने वाला परवरदिगार था, तारीफ होने वाली जात मुहम्मद रसूलुल्लाह का नूर मुबारक था। हज़रत इकराम, ये रसूल पाक अली सलातो सलाम की नात की इब्तिदा है। और मेरे दोस्तों, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लतीफ इशारा जो कुरान में मिलता है, एक कॉन्फ्रेंस का हवाला कुरान मजीद में कहा है, नात की अहमियत का अंदाजा लगाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी बात करनी थी, तमाम इंसानों को जवाब फरमाया, उसमें काफिरों की रूहें भी थी, फासिकों की रूहें भी थी, वलियों की रूहें भी थी, मुफस्सिरीन की, मुहद्दिसीन की, उलमा की, सारी रूहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा फरमाया था। मगर जब नात की बात करनी थी, अपने महबूब की बात करनी थी, अल्लाह ने फरमाया सारी रूहों को निकाल दो, अब मेरे मुस्तफा का जिक्र आ रहा है। यहाँ हर रूह शरीक नहीं हो सकती, यहाँ पैगंबरों की पाक रूहों से खिताब किया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाएं, आज भी जमाने में आपको बहुत से ऐसे हज़रात मिलेंगे जो नात जिनको सुनना गवारा नहीं होता, नात की महफिल को अटेंड नहीं कर सकते, उनके इजलास होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं चार चार पाँच पाँच दिन की, मगर पूरे चार पाँच दिनों में भी एक मरतबा हुजूर पाक अली सलातो सलाम की नात पढ़ी नहीं जाती। वो कहते हैं हम नात नहीं पढ़ते, हम कहते हैं नात पढ़ना ये इंसान के बस की बात नहीं है, नात सुनने और पढ़ने के लिए तो अल्लाह मुंतखब फरमाया करता है। तो हज़रत इकराम आलम अरबा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा अजीम शान रसूल पर मगर होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि नात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है आलम अरबा में। उसके बाद इरशाद फरमाया, आप कलिमात पर गौर फरमाए सरकार की नात के, इरशाद फरमाया, लतुमिनुन्ना बिही वलतनसुरुन्ना, ऐ तमाम पैगंबरों तुम्हारा काम क्या होगा। इरशाद फरमाया, तुम्हारी ड्यूटी यह होगी, लतुमिनुन्ना बिही, तुम तमाम के तमाम मेरे मुस्तफा पर ईमान लाना, वलतनसुरुन्ना,
और पूरे के पूरे जरूर ब जरूर मेरे महबूब के खातिर बन जाना, खिदमत गुजार बन जाना। उसके बाद फिर नाप कैसे हो रही है, इरशाद फरमाया अखरजतुम अखजतुम अला ज़ालिकुम उस्री। ऐ लोगों, क्या पैगम्बरों की जमात मेरे इस वादे का इकरार कर रहे हो? उन तमाम पैगम्बरों की लोगों ने कहा अखरजना, मौला हमने इकरार किया कि जब तेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे हम ईमान लाएंगे तेरे महबूब पर और उनकी उनके खातिम बन जाएंगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फशहदू, ऐ पैगम्बरों के लोगों तुम एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। नाप हो रही है हुजूर की, उसके बाद इरशाद फरमाया तुम एक दूसरे पर गवाह बन जाना। आदम पर नूह गवाह, नूह पर इब्राहिम गवाह, इब्राहिम पर इस्माइल गवाह, इस्माइल पर इसहाक गवाह, एक एक पैगम्बर पर 1,24,000 कमोबेश पैगम्बरों को गवाह बनाया गया। उसके बाद इरशाद फरमाया ये बात कोई मामूली बात नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की अजमत की बात है, मेरे हबीब की नाप की बात है। इरशाद फरमाया वाला माकूम रशाइदी, मुस्तफ़ा की अजमत की गवाही देने वालों में खुद तुम्हारा परवरदिगार भी शामिल हो जाता है। हाज़िर किराम अज़ीज़ दोस्तों, ये नाप की इब्तिदा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया पैगम्बरों से मुखातिब होकर थोड़ा सा उन लोगों को सुनना चाहिए जो नाप की अजमत का इनकार करते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फमन तवल्ला बादा ज़ालिक फ़ौलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, अब जो इस वादे से फिरेगा अगर कोई खुदा ना पास्ता फिर जाए नबुव्वत छीन ली जाएगी, फासिकों में शुमार कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के नाते पाक की इब्तिदा। इब्तिदा के बाद अब फिर पूरा कुरान मजीद आप देखेंगे। किसी शायर ने कहा था जो मैंने सोचा के नाते अहमद शुरू करूँ मैं कहाँ से पहले, हरे आयत पुकार उठे यहाँ से पहले यहाँ से पहले। आदमी कहा नाक के हवाले से शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोरा